नमस्कार शार्क्स, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कितने लीटर का खून बहता है? 7 लीटर। और अगर आपकी किडनी काम नहीं करती है तो 2 से 3 दिन बाद यह बन जाएगा 9 से 10 लीटर का फ्लूइड, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे जहरीले पदार्थ भी शामिल होते हैं। यह जानलेवा हो सकता है। इसका नाम है क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD। आम भाषा में इसको किडनी फेलियर भी कहते हैं। डायलिसिस एक ऐसी लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी है जो आपके बॉडी के एक्सेस फ्लूइड्स और ये जहरीले पदार्थ को निकाल के बाहर फेंकता है और आपको स्वास्थ्य की ओर लेके जाता है। दुर्भाग्यवश ये जो डायलिसिस की थेरेपी है वो भारत के कोने कोने में जहां पे इसकी जरूरत है वहां नहीं पहुंच पा रही है। लोग 100-150 किलोमीटर दूर जाते हैं डायलिसिस लेने के लिए हर 2 से 3 दिन बाद। खाने पे पाबंदी, पानी पीने पे पाबंदी, और अगर दूर दूर तक ये डायलिसिस लेने जाना पड़े तो शरीर में होने वाला स्ट्रेस और इन्फेक्शन एक किडनी पेशेंट और उसके परिवार को फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली ये खत्म कर देता है। इसी स्थिति में हम लेकर आ रहे हैं द रीनल प्रोजेक्ट, जो कि एक डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है। मैं हूं शशांक मोदिया और हम खोल रहे हैं 2 से 3 बेड के छोटे छोटे डायलिसिस सेंटर हर वो छोटे शहर में, डिस्ट्रिक्ट्स में और तालुका में जहां पे इसकी जरूरत है। हमने एक सेंटर से शुरुआत की थी 2019 में और आज हम हमारा 21वां सेंटर खोले जा रहे हैं। हमारी सुविधाएं मुंबई, पुणे, थाने, नासिक में उपलब्ध हैं और हम ये सुविधा को घर पे भी उपलब्ध कराते हैं। हमने आज तक 1000 से भी ज्यादा किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस सुविधा दे चुके हैं और हमारा मिशन है कि हम 1000 से भी अधिक डायलिसिस सेंटर्स खोलें भारत भर में। और मैं चाहता हूं शार्क्स कि ये महत्वपूर्ण मिशन में आप हमारा साथ दें। हम चाहते हैं 1 करोड़ रुपए 3% इक्विटी के माध्यम से। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये डायलिसिस सेंटर जो होता है दिखता कैसे है, और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं जितेश पेड़नेकर को, जो ये कंपनी का एक अहम हिस्सा है। जितेश। नमस्कार सर, मैं हूं जितेश पेड़नेकर, ऑपरेशन हेड ऑफ द रीनल प्रोजेक्ट। ये जो डायलिसिस मशीन है वो हेल्प करती है डायलिसिस होने के लिए, बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये डायलाइजर, जिसे आम भाषा में कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी। इससे ही ब्लड जो है वो प्यूरीफाई किया जाता है और पेशेंट के शरीर में भेजा जाता है। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। सो शशांक, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स मैंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास US से। 10 साल तक मैं US में ही था। मेरे आखिरी कॉर्पोरेट जॉब में 2003 से 2018 में मैं एशिया पैसिफिक रीजन के लिए काम करता था। ये एक डायलिसिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ये यूनिक बिजनेस तो नहीं है, मैं जानता हूँ और कंपनीज हैं जो इस बिजनेस में है, तो यूनिक प्रोपोजिशन क्या है आपका? आपकी बात बिल्कुल सही है, ये यूनिक प्रोपोजिशन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन प्ले है। डायलिसिस मैनेज करना, सेटअप करना बहुत आसान है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और ये झंझट हॉस्पिटल्स नहीं करना चाहती है। दिस इज आवर USP। ये मार्केट अनटैप्ड मार्केट है एंड अनरीच्ड पॉपुलेशन है। आई डोंट एग्री, नेफ्रो प्लस सेम चीज कर रहा है, वो भी दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, करेक्ट, और वो आउटसोर्स ले लेता है, वो सेम चीज कर रहा है। बट आप 3 बेड का खोल लोगे तो आप पैसे कमाओगे? EBITDA 28 का होता नहीं तो मैं US का जॉब छोड़ के इसमें घुसता ही नहीं। हमने होम डायलिसिस शुरू किया जनवरी 2021 में और मई 2021 में हमने 7.5 लाख रुपए हमारा रेवेन्यू था सिर्फ होम डायलिसिस। और अगर नेफ्रो प्लस चाहे वो भी छोटा खोल सकता है या नहीं? वो खोल सकता है, लेकिन ये उनका मॉडल नहीं है। इंडिया में कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है? ऑलरेडी 10 से एस्टिमेटेड 15 लाख तक डायलिसिस पेशेंट्स हैं और हर साल 2.5 लाख ऐड होते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड इट्स एस्केलेटिंग प्रॉब्लम एंड वी आर स्टिल प्लेइंग कैच अप। और एक फैक्टर है, दिस इज वेयर आई नीड योर अटेंशन। अगर आपके पास 50 सेंटर हो या 100 सेंटर हो, ठीक है, गांव गलीचे में, डिस्ट्रिक्ट तालुका में, इसको संभालोगे कैसे यार? वी आर डेवलपिंग एन इन हाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो अभी तक टच किया ही नहीं है किसी ने। SOPs हमने बनाई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि एक पेशेंट आएगा तो उसका टेम्परेचर नापना है, फिर ब्लड प्रेशर नापना है, फिर उसको लेटाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। ये सारी चीज़ यहाँ बैठे बैठे मुझे पता नहीं है कि वो टेक्नीशियन कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल, वहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ
विद एवरीथिंग वो ए सॉफ्टवेयर कैप्चर करता है. इसमें हमारा जो स्टॉक्स जो है सिरिंजेस 50 के बदले 100 चली गई. समझ गए यही आप बोल रहे हो कि आप नहीं होते. ये मेरा एग्जैक्टली सो दिस सॉफ्टवेयर और ये हमको इन हाउस बनाना पड़ा. अभी आपका रेवेन्यू क्या है? मंथली रेवेन्यू 25 लाख है. हम एक 3 crore ARR कंपनी बन चुके हैं 20 महीने ऑफ इंसेप्शन. शशांक मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ. जिस तरीके से आप इस बिजनेस को सोच रहे हैं मेरे को बहुत ही अपील कर रहा है. अच्छा बट मैंने इन बिजनेस में क्या देखा है कि ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बिजनेस है. आपके कितने दिन बेड चढ़े या कितना टाइम बेड खाली रहा वो वैल्यू डिस्ट्रक्शन है. तो इसमें आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. राइट तो आपको डिसिप्लिन रखने के लिए और बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखने के लिए मैं आपको एक ऑफर करना चाहता हूँ. अच्छा मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा 1% इक्विटी के लिए. अच्छा और 75 लाख रुपए आपको मैं लोन दूंगा जिस पे आपको 12% इंटरेस्ट देना है और वो लोन आप 5 साल बाद चुका सकते हैं. मेरी तरफ से ये ऑफर है बाकी आपके ऊपर है आप कैसे सोचते हैं. आपको 12% क्यों देने हैं? आपके पास फार्मा एक्सपर्ट है जिसके पास डॉक्टर्स का नेटवर्क है हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है कंज्यूमेबल्स मेडिसिन मैं सब आपको दूंगी. मेरा ऑफर है 1 crore for 10% इक्विटी. मेरा खुद का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होगा टू हेल्प यू स्केल दिस फॉर इंडिया. मैंने अपना डिसीजन बना लिया. नंबर वन बिजनेस बनने के चांसेस थोड़े से मेरे को वीक लग रहे हैं बिकॉज और भी और मार्केट में कंपटीशन आ सकता है. इसलिए मैं बाहर. आप पहले ये लेवल पे पहुंचिए कि सोचिए आपके 100 सेंटर हो गए या 50 सेंटर हो गए और वो थर्ड लेवल पे काम करना शुरू कर दीजिए. अगर वो आपने कर दिया तो बाकी सब लोग आपको रेड कारपेट से इनवाइट करेंगे और कंपटीशन खत्म हो जाए. लेकिन अभी तक आप वहां पर नहीं हो इसीलिए मैं हूं आउट. ये देखो दो शार्क आउट है दो शार्क अभी इन है. हाँ. असली शार्क अभी आना है. ठीक है तो, बिजनेस में ना एग्जीक्यूशन सबसे क्रिटिकल चीज है. आपने एग्जीक्यूशन में दिमाग लगाया. आपने एग्जीक्यूशन वर्ड आपने कुछ 5 या 6 बार बोला. yes. वो सबसे अच्छा बात बोला. ठीक है सही है. जो जिसका काम हो उसी को भाई मैं आना चाहता हूँ इस डील में. फार्मा का कृपा अगर हमारे पास होगी हमारे ऊपर होगी तो मैं उनके साथ आना चाहता हूँ. अच्छा मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ जहाँ कहाँ वो ब्रांड बिल्डिंग में. ब्रांड बिल्डिंग मुझे आती है. इस प्रोजेक्ट को ग्रोथ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ थोड़ी सी. अच्छा अच्छा तो एक तो फिर डील क्या है? डील क्या है? डील क्या है? तो डील तो वही रहेगी 1 crore for 10% बट द डील स्टेज द सेम फॉर यू. एक और चीज है वी ऑलरेडी हैव अ टर्म शीट. देखिए ये बात आपने बताई. एक सेकंड वही तो मैं कब से बताना चाह रहा. हाँ बताओ. 2.5, 17 pre, 19.5 post. ये क्या करोड़ में बता रहे हो? करोड़ 17 crore प्री मनी 2.5 crore का इन्फ्यूजन. अगर 20 crore की वैल्यूएशन का ऑफर है तो इनके पास 20 crore की वैल्यूएशन का ऑफर ऑलरेडी है. है. मैंने तो आपको उससे बड़ी ऑफर दिया इसलिए. मैं आपको एक ऑफर और दूंगी और ये नॉन नेगोशिएबल फाइनल ऑफर है. सुनो आप पीछे 1 crore for 8% एंड दैट्स इट. वासा पलट गया. फार्मा इसीलिए कहते हैं एक बारी एक हाँ बोल देता है ना. हाँ. तो बाकी सब तो हाँ बोल ही देते. पहले बिना किसी हाँ के जिसने हाँ बोली उसकी रिस्पेक्ट करनी जरूरी है. ही हैज अ पॉइंट. ये पॉइंट है आपके पास. शशांक नेवर डिस्काउंट द पावर ऑफ नेटवर्क्स. ऑफर क्लियर से समझ लीजिए. हाँ. इन दोनों ये अगर दोनों इकट्ठे आएंगे तब भी आपको 1 crore मिलेगा. 1 crore मिल रहे हैं. मैं अकेला आऊंगा तब भी 1 crore मिलेगा. एक तो आपको एक बंदा कम मैनेज करना है लाइफ में. नहीं ये सच्चाई होती है यार. सच्चाई देखो या फिर बेइज्जती मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ बोले. देखो हमारी इतनी बेइज्जती कर रहा है तो आपको कैसे संभालेगा. बेइज्जती की बात नहीं है. मैं जो डील है डील को रिस्पेक्ट करना है. दूसरा 25 crore की वैल्यूएशन मैं दे रहा हूँ या आपको 12.5 crore की वैल्यूएशन दे रहे हैं. दो गुना का
अंतर है। मैं 5 मिनट दौड़ के जाऊंगा, भाग के आऊंगा। प्लीज जाओ। कमाल के शार को यार, भड़ना आज पहली बार असली शार निकल गया है। हेलो यज्ञेश, देखो अपने को शार्क टैंक में 2 ऑफर मिली है, ओके केयरफुली। अश्नीर फ्रॉम भारत पे इज ऑफरिंग 25 लाख इन इक्विटी फॉर 1%। आपका काउंटर ऑफर बोलिए, हम सुनना चाहते हैं सर। काउंटर ऑफर यही है कि अगर 25 का पोस्ट किया जाए तो 100 divided by 25 किया जाए तो 4% होता है। तो आप 4% देना चाहते हो 1 करोड़ के लिए? This will be only fair. ना तुम्हारा ना मेरा, you want to meet in the middle at 6? आपके पास दो पार्टी हैं। बराबर। एक पार्टी आपको सच्चाई बता रही है, एक आपको सपना बेच रही है। शशांक मेरा चेक रेडी है। अगर आपको लग रहा है आपके लिए इक्विटी चीपर ऑप्शन है, तो फिर आपने बिल्कुल मैच नहीं किया। शशांक आपको वैल्यूएशन से ज्यादा वैल्यू चाहिए। करेक्ट। वैल्यू आपको जहां मिल रही है वो देखो, ये डेट इक्विटी मैच की बातें बाद में करेंगे। अब अपना आंसर दीजिए, अगर आप यहाँ से जाएंगे। आपको यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है? बैठ के बोट पे म्यूजिक सुनाएंगे आपके पेशेंट को। इन्होंने जो ब्रांड बिल्डिंग किया है वो आपके बहुत काम में आएगा। मैं आपके लिए बेटर कर देता हूँ। देखो पैसों से खरीद रहे, मैथ्स मुझे आपको आता नहीं है। बंदा गलत है। आप ऐसा कर रहे, आपको इक्विटी डेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आप 50 लाख ले लीजिए। बराबर। 2% इक्विटी दे दीजिए, 25 की वैल्यूएशन हुई पोस्ट मनी, और बाकी 50 लाख डेट 12% से। क्या ऐसा करना चाहेंगे कि आपका 50 जो डेट है वो आप इक्विटी से मैच करें? अभी आता नहीं, अभी पास हो गया। फाइनल कॉल, फाइनल। अभी कोई नेगोशिएशन नहीं है। मुझे जरूरत पड़ेगी फार्मास्यूटिकल, सो आई अंडरस्टैंड दैट एक सिनर्जी है, और वो सिनर्जी के लिए आई विल चूज यू एंड वी विल गो विद यू। वी हैव अ डील, वी हैव अ डील। कांग्रेचुलेशंस। सो इट इज माइंड ओवर मैथ्स। We look forward to working with you, and you made the right decision. Yes. Thank you very much. Swag से स्वागत करेंगे आपका. अरे वाह. And this is yours. Okay. Congratulations, man. Congratulations. Value over valuation. Fantastic. Hey, Pharma. Cheers. We did it. Good job. I'll tell you, he's a fantastic guy. I bet on the guy.